पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने साल के कैलेंडर का विमोचन किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नए साल में पर्यटन विभाग नए कीर्तिमान बना रहा है। उत्तर प्रदेश को पर्यटन का बड़ा हब बनाने के लिए नेशिम को बड़े पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर बुंदेलखंड में भी पर्यटन को बढ़ाएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद वहाँ पर्यटन के बड़े स्कोप है। वहीं सपा भाजपा के बीच ट्विटर जंग को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वाद विवाद में कोई भी अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। खासकर यदि पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा निवेश विदेश की धरती पर भी विभिन्न हमारे मंत्रिमंडल समूहों के माध्यम से एमओयू हुए। और खासकर आपने देखा होगा कि जब बंबई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का दौरा हुआ निवेश को आकर्षण करने के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों से वार्ता हुई, रोड शो हुआ, उसमें भी हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए कई समूहों ने पर्यटन के क्षेत्र में होटल के माध्यम से, रिसोर्स के माध्यम से, अन्य माध्यम से निवेश करने का काम किया। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी मेरे साथ हैं। यूपी को पर्यटन में एक हब बनाने की क्या तैयारियां? आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और खास रूप से हम लोगों पर ऐतिहासिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से या विभिन्न जो हमारे अलग अलग सर्किट बने हैं उस रूप से पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है जिसमें अपार संभावना पर्यटन के लिए हैं। और आज मैं खुशी है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा रखा गया है उसकी पूर्ति में बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या आता है, काशी कॉरिडोर आता है, अमित शाह जी का एक बयान आता है कि 1 जनवरी से पहले अयोध्या राम मंदिर बन जाएगा, विपक्ष लेकर इसको लगातार राजनीति करता था, कैसे देखते हैं? देखिए 1 जनवरी से पहले निश्चित उन्होंने ठीक कहा है, हम इसी महीने के इसी साल के अंतिम 31 दिसंबर से पहले पहले निश्चित रूप से सारा निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे, आसपास का डेवलपमेंट पूरा कर लेंगे और 15 जनवरी मकर संक्रांति के बाद जो भी शुभ घड़ी होगी उसमें उसको जनता के लिए लोकार्पित करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा और भव्य और दिव्य ऐतिहासिक रूप से विश्व स्तरीय नगर अयोध्या बनने जा रहा है। एक सवाल, जो समाजवादी पार्टी और भाजपा का जो ट्विटर चल रहा है उसको लेकर कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और नियत एकदम साफ है, कानून सबके लिए बराबर है, किसी को भी कानून की लक्ष्मण रेखा पार करने का अधिकार नहीं है। जो भी लक्ष्मण रेखा पार करेगा, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। जो ऋचा जी है बीजेपी की, उन पे अभी कार्रवाई, मुकदमा तो दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई अभी। अरे मुकदमा लिखा, बाद में विवेचना होगी, विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई भी होगी, मुकदमा लिखा। शुक्रिया, ये थे हमारे साथ जयवीर मंत्री जी पर्यटन विभाग के, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन का हब बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, MK न्यूज़, लखनऊ।